जो व्यक्ति अग्नि, गव्य, ब्राह्मण आदि को झूठा भोजन कराता है, सुन लो, जो व्यक्ति अग्नि में झूठा डाल रहा है, गौ माता को झूठा दे रहा है, ब्राह्मण संत आदि को झूठा खिला रहा है, उसको कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है, जो इतना इतना डरावना है। अगर आप लोग शास्त्र पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा, तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं करता? अरे जोर से बोलो भाई, आप में से कोई ऐसा नहीं करता? अब मैं बताता हूं कौन करता है। इसको बोलते हैं गुगली। अब मैं बताता हूं आप ऐसा करते। सबसे पहली बात कि आपके घर में जो फ्रिज रखा है उसमें सारा झूठा आप रखते हैं, उसी में आप अच्छा भी रखते हैं और वो झूठा होता है। बोलो राधे राधे। आप में से कई लोग इतने शॉर्टकट अपनाते हैं कि आपके यहां ड्राई फ्रूट की प्लेट है, जब कोई आता है उसके आगे सरका देते हो, जब वो चला जाता है बंद करके रख देते हो, फिर कोई आता है फिर सरका देते हो। बोलो हां। उसी नमकीन को जब वो मेहमान चला गया पैक करके वापस रख दिया, दूसरा आएगा उसको खिलाएंगे। बोलो हां। देखो जितने मुस्कुरा रहे हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं और जितने नहीं करते हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं, पर मेरी बात समझ में आ गई? आपका फ्रिज सबसे ज्यादा झूठा, जिसके अंदर आप झूठे पदार्थ रखते हो, उसमें भोज भी रखते हो। आप जिन चीजों से भोजन बनाते हैं, आपका किचन ऑलवेज झूठा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप भोजन बना रहे हैं उसी पर आपके यहां झूठी प्लेटें रखी हुई हैं। बोलो, एग्री करो नहीं करो? हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा जो ऐसा नहीं करता वो बता दे, मतलब पक्ष मेरे पक्ष में ज्यादा वोट है, जो करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। ये सावधानी बरतने वाली बातें आपको बता रहा हूं। जो ड्राई फ्रूट, जो मेवा आपके यहां रखे हैं उसी में से आप लेते रहे हो, और जिस दिन पूजा होती है उस दिन भी उसी में से निकाल के दे रहे हो, लो कर लो पूजा। ये तो बहुत समझदार लोग अब हो गए जो चीजें अलग रखना सीख गए। जिनके घरों के अंदर, रसोई के अंदर बिना स्नान किए प्रवेश हो जाता है, वो किचन हमेशा के लिए अशुद्ध हो जाता है। अब चलो इसके बारे में बात करूं, कितने लोग हैं जो बिना स्नान के किचन में प्रवेश नहीं करते? हाथ खड़ा करो। चलो रहने दो, ये दो चार दस लोगों के लिए ताली बजा दो। बोला महाराज थे तो पुल खोल रिया हो, अब मैं क्या करूं, जो लिखा है मुझे बोलना पड़ रहा है।